गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 2 स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज मार्च एडिशन। जी हाँ दोस्तों, मार्च 2022 आ चुका है और इसमें आप क्या क्या अच्छे मोबाइल खरीद सकते हैं जो रिसेंटली लॉन्च मोबाइल हुए हैं और जो मेरी टॉप पिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर दिस पिक्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो पहली पिक रहेगी, जो कि बहुत ही मतलब पॉपुलर है, और रेडमी की सीरीज़ जो है आपने सुना ही होगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर, और ये भी एक रेडमी का ही फ़ोन है जो कि मैंने नंबर वन पोजीशन पर रखा है। तो इसका नाम है रेडमी नोट 11। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही रिसेंटली लॉन्च फ़ोन है, बहुत ही अच्छे लेवल का फ़ोन है। इसकी स्पेसिफिकेशन भी अच्छे हैं और ये ऑप्शन बहुत अच्छे प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इसमें आपको 4/64 के ऑप्शन मिल जाएंगे, 6/64 के भी एंड 6/128 का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको स्टोरेज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और बहुत इकोनॉमिकल फ़ोन भी है। तो जहाँ तक हम बात करें इसके 4GB रैम और 64GB वेरिएंट की, तो वो हमको अवेलेबल हो जाएगा 13,499 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। और जहाँ तक हम बात करें 6GB रैम और 64GB वेरिएंट की, तो वो हमको 14,500 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। देन अगर हम बात करें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन की, तो वो हमको अवेलेबल हो जाएगा 15,999 के प्राइस पॉइंट, मतलब लगभग आपको 16,000 रुपये का पड़ेगा। तो थोड़ा अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो ये, अदरवाइज 664GB इज इनफ। अगर आप ज़्यादा वीडियोस वगैरह एडिटिंग नहीं करते हैं तो ये काम आपका बहुत आसानी से कर देगा। स्पेसिफिकेशन की बात करें इसकी, तो इसका जो डिस्प्ले है वो 6.4 इंच का एक FHD प्लस पैनल इसमें लगा हुआ है। और इस डिस्प्ले की स्पेशलिटी ये है कि एक 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले के मामले में स्मूथनेस वगैरह आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। देन हम प्रोसेसर की बात करें, तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि बेस्ड है 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे। देन हम कैमरा की बात करें, तो यहाँ पे हमको एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। 50MP का हमको मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा, 8MP का हमको अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाएगा, 2MP का हमको मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो स्पेसिफिकेशंस वगैरह से काफ़ी देखें तो हम काफ़ी बैलेंस स्पेसिफिकेशंस हैं इसमें। और जहाँ तक हम फ्रंट कैमरा की बात करें, तो 13MP का एक आपको फ्रंट कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो अगेन एक 5000mAh की बैटरी विद 33W ऑफ फास्ट चार्जिंग, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। फास्ट चार्जिंग लगभग सभी मोबाइल्स में आजकल आ रही है, लगभग 33W की फास्ट चार्जिंग तो ये लोग सब में दे ही रहे हैं। स्टोरेज की बात करें तो अप टू 512GB तक एक्सपांडेबल स्टोरेज होगी, वो बेस्ड है UFS 2.2 पे। तो स्टोरेज का भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, स्टोरेज भी बहुत अच्छे लेवल की देने वाला है और प्राइस पॉइंट भी काफ़ी डिसेंट है। मतलब ओवरऑल मैं फ़ोन को बोलूँगा काफ़ी डिसेंट फ़ोन है। और अगर आप एक फ़ोन देख रहे हैं मार्केट में जो कि 15,000 का और एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे, तो ये फ़ोन आप ज़रूर से चेकआउट कीजिए। और एडिशनल फीचर्स में आपको इसमें एलेक्सा वगैरह भी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो अगेन एक बहुत ही अच्छी डील है ये। तो ये मोबाइल अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उस लिंक से। तो दोस्तों जो मैंने अभी फ़ोन बताया रेडमी नोट 11, वो डुअल 4G सपोर्ट करता है, बट अगर आप फ्यूचर प्रूफ बनना चाहते हैं, अगर आप 5G फ़ोन लेना चाहते हैं इसी प्राइस पॉइंट पे, तो एक और बताता हूँ मैं आपको फ़ोन जो कि मेरी नंबर 2 पिक है, जो कि बहुत ही तगड़े लेवल का फ़ोन है, वो है रेडमी नोट 10T 5G। ध्यान दोस्तों, ये फ़ोन थोड़ा पहले लॉन्च हुआ है इस फ़ोन से, बट इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये एक 5G फ़ोन है, 5G स्टैंडबाय प्रोवाइड करता है और इसका प्राइस पॉइंट भी बहुत डिसेंट है। 4GB रैम और 64GB वेरिएंट आपको लगभग 3,500 रुपये का मिल जाएगा, और हो सकता है कि सेल में तो और कम का मिल जाएगा। और 6GB रैम और 128GB वेरिएंट भी इसमें अवेलेबल है, जो कि आपको मिलेगा अराउंड 15,400 के प्राइस पॉइंट पे। तो ये अगेन बहुत अच्छी डील हो गई है, 5G फ़ोन 15,500 में आपको देखने को मिल रहा है। तो हम डिस्प्ले की बात करें इसमें, तो एक अगेन 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले हमको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। अगेन एक 90Hz का डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है इस केस में भी। प्रोसेसर की हम बात करें तो एक MediaTek Dimensity का 700 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि बेस्ड है 7nm आर्किटेक्चर पे। तो अगर ये आर्किटेक्चर की बात सिंपल है, जितना आर्किटेक्चर आपका साइज जो कम होगा उतना ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट होगा आपका प्रोसेसर। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हमको एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। कैमरा की बात करें यहाँ, तो मेन कैमरा हमको एक 48MP का सेंसर देखने को मिलने वाला है विद f1.79 एपर्चर। देन हम बात करें दूसरे कैमराज की, तो हमको एक 2MP का एक मैक्रो कैमरा भी देखने को मिलने वाला है यहाँ पर, और एक 2MP का हमको डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। फ्रंट कैमरा की हम यहाँ पे बात करें, तो हमको यहाँ पे एक 8MP का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलने वाला है।
तो हम बैटरी की बात करें तो अगेन जैसे Redmi Note 11 में 5000 mAh की बैटरी थी, सेम इसमें भी 5000 mAh की बैटरी है, बट इसमें एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर और उसमें 33 वॉट का था, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। Alexa built-in और सारी स्पेशलिटीज इस फोन में भी है, तो एक अगेन ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको एक 5G फोन लेना है तो, और अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कैमरा क्वालिटी में और फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी में, ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल बन जाता है अंडर 15,000 रुपीज़। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, दो मेरे टॉप स्मार्टफोन्स मैंने बताया, और अगर आपका कोई टॉप स्मार्टफोन हो जो आपने 15,000 में अभी अभी बाय किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय।